नमस्कार, इनबीसीएन के दर्शकों का हम एक बार फिर एक विशेष मुलाकात में स्वागत करते हैं। कहते हैं बदल जो है, चेंज, ये शाश्वत चीज है। एक वो जमाना था जब कहा जाता था छड़ी लागे छमछम, विद्या ये घमघम। और आज का जो दौर है COVID-19 के पार्श्वभूमि पर, आज हमें क्लासरूम ये कंसेप्ट को छोड़कर ऑनलाइन कंसेप्ट के ऊपर में आना पड़ रहा है। कई चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर रुक गया तो वो जमाना कैसा और रुक गया तो वो एजुकेशन फील्ड कैसा, इस बढ़ते हुए परिप्रेक्ष्य में, इस चलते हुए परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन सेक्टर को कहां से कहां ले जाने की जो जिम्मेदारियां शिक्षक वृंद पर है, ट्यूशन क्लासेस पर है, स्कूलों पर है, उस जिम्मेदारी को किस बेहतरीन तरीके से निभाया जा रहा है, आज इसी विषय पर बात करने के लिए, कुछ इतिहास की बात जानने के लिए, कुछ जो बढ़ते घटनाक्रम है उन पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है डायरेक्टर बंडेवार, श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस के डायरेक्टर श्री विकास बंडेवार जी। सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसके साथ में हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है श्री भूषण वाल पांडे सर, जो कि मैथ्स की टीचर है बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस में, आप मैथ्स पढ़ाते हैं। सर, मैं सीधा आपके पास में आता हूँ, आपको थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि मैथ्स से मुझे बचपन से लेकर आज तक बड़ी एक त्रासदी रही है। मतलब मैं बड़ा घबराया हुआ स्टूडेंट रहा हूँ, तो और मैथ एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट भी रहा है, तो आप कैसे बच्चों को टैकल करते हैं मैथ्स के लिए? तो आपके पास में एक क्वेश्चन मार्क लगा ही होता होगा बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि दुनिया के 90% लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, और वैसे ये डिफिकल्ट है भी। बट अभी इतने सालों से मैथमेटिक्स मैं पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स का एक ऐसा है कि इसमें आपका जितना इंटरेस्ट राउज होगा, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, उतना वो आपको ईजी लगने लगता है। एक जनरली जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो एक बात उनको हमेशा, एक एग्जांपल उनको हमेशा देता हूँ मैं, कि जैसे कोई डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि डिफ़िकल्ट ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डिफ़िकल्ट वर्ड अगर कोई एग्जिस्ट होता तो एक जैसे कोई चीज़ है जो मेरे लिए अभी डिफ़िकल्ट है, बट कुछ दिनों के बाद जैसे मैं उस चीज़ के साथ फैमिलियर होता हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए ईजी बन जाती है। तो मैथमेटिक्स का भी ऐसा ही है, बस आपका इंटरेस्ट लेने तक का वो है, आपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया तो मैथमेटिक्स आपके लिए इजी हो गया। मतलब आपका ये कहना है कि जो जिसमें आप कठिन जो सब्जेक्ट लगता है उसके अगर ज्यादा ध्यान दें, उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, तो वो आपके लिए कुछ समय बाद इंटरेस्ट लेना जरूर है। जैसे हम बाकी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, किसी को गाड़ियों का शौक होता है, किसी और चीजों का शौक होता है, वैसे आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लीजिए तो आपके लिए वो इजी है। अदरवाइज अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो फिर आपको कोई भी पढ़ा ले वो सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बहुत सही तरीके से आपने बताया। मैं बात करता हूँ सर इतिहास के, बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लास का अपना एक इतिहास रहा, एक शुरुआत हुई, उसके बाद में एक छोटा सा घर बना, उस घर को फिर आपने कई जगह पे वो घर बने, किस तरह से शुरुआत हुई और आज किस मुकाम पर आप अपने आप को देखते हैं? इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। ये बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस की जो स्थापना है, ये मेरे पिताजी श्री केशवराव खंडोबाजी बंडेवार इन्होंने की है, और इनका साथ देने के लिए मेरे सगे मामा विलासपुरम इन्होंने पूरा इनका साथ दिया। 1975 में स्टार्ट हुआ, एंड एक सतरंजी स्टार्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि एक सतरंजी डाल के एक छोटे से रूम में दीवार को ब्लैक पेंट लगाकर इसकी शुरुआत हुई है, उसी को ब्लैक बोर्ड बना के इसकी शुरुआत हुई है। और देखते ही देखते आज हमारे 3 सेंटर हैं, महल जो मेन सेंटर है, हेड ऑफिस, देन सेकंड बेसा, थर्ड दिगोरी, और अभी हम गोकुलपेट एरिया में भी एक 4th सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस तरह की हमारी ये शुरुआत, आज तक का ये सफ़र हमारा इस तरह का है, और आज हमारे पास कुल मिला के लगभग मोर देन 2000 स्टूडेंट्स एजुकेट हो रहे हर साल। तो बहुत ही खुशी के साथ मुझे बताने में मज़ा आ रहा है। और इसमें जैसे आपने कहा कि आपके पास में 2000 स्टूडेंट्स हैं, 2000 स्टूडेंट्स मतलब उनके सारे परिवार भी आप लोगों से जरूर जरूर एक विश्वास रखते हैं, जरूर बंडेवार गजानन ट्यूशन क्लासेस पे विश्वास रखते हैं। तो जो आपका इतिहास है, उस इतिहास में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने जो अपना रिजल्ट्स है वो आपके मार्गदर्शन में जो है एक, तो कुछ नाम या कुछ ऐसी घटनाएं बताना चाहेंगे? जरूर जरूर, अभी रिसेंट का ही मैं बताता हूँ जी। बिल्कुल, अभी जो टॉप हमारा आया है स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में, प्रथम खेड़ीकर जी, 97% उसने एग्रीगेट स्कोर किए, मैथ्स में 100 out of 100 लिए हैं, और आपका भी अभिनंदन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो वो जो बच्चा है वो सही में तारीफ़ काबिल है। उसने उसका जब घर में उसके घर पे जब मैं गया तो उसके मम्मी पापा से जब मैंने मुलाकात ली तो
बहुत ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम में से वो बच्चा इतना टफ कंपटीशन यानी उसका सराउंडिंग जो था वो काफ़ी कुछ अगेंस्ट था, अगेंस्ट स्टडी था, उसको माहौल नहीं था वैसा, बट स्टिल इस इतने चैलेंजिंग कंपटीशन में उसने इतना जो ज़बरदस्त रिजल्ट जनरेट किया है वो सही में तारीफ़ काबिल है। और मैं तहे दिल से उसका, उसके मम्मी पापा का थैंक्स करता हूँ कि ऐसे बच्चे को हमारे सुपुर्द करके हमारे क्लासेस की शोभा बढ़ाने का जो काम हुआ है ये सही में, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका वंस अगेन थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने हमें चुना उनके बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए, सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। जी बिल्कुल, और उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर एक अपनेपन के साथ में पढ़ाया जाता है। भूषण सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा, एक वो दौर था आप 4-5 महीने पहले जब आपको क्लासरूम में पढ़ाना पड़ता था और आज आपको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है, दोनों में आप क्या फर्क महसूस करते हैं और दोनों में से आपको कौन सा जो मीडिया है वो आपको कंफर्टेबल लगता है? जी देखिए कि अभी जैसे है ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों ने हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे सिचुएशंस आएंगे, काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, बट अभी समय के साथ साथ समय की नज़ाकत देखते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनको शुरू करना पड़ा। बट जो हमारे इंडिया में मैं कहूँगा कि बोर्ड टीचिंग जो है, क्लासरूम टीचिंग जो है, वही एक इफेक्टिव वे है, क्योंकि अब तक हम टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड इस फील्ड में नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट तो मैं बोलूँगा क्लासरूम टीचिंग ही रहेगा। बट साथ ही साथ हमने ऑनलाइन में भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी मजबूरी है और उसको करना पड़ेगा। यस, और कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ घटना का होना जरूरी होता है, तो इस हिसाब से कोरोना पेंडेमिक की वजह से लोगों को अब मजबूरन उसमें आना भी पड़ रहा है, तो वो एक अच्छी बात है, उसको पॉजिटिव वे में हमने लेना चाहिए। बट फिर भी ऑनलाइन टीचिंग मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है फिलहाल के लिए। जी हाँ, मतलब आप उसमें बच्चों की जो मानसिक विकास की जो बात करते हैं, एजुकेशन विकास की बात है, उसका सही सही आकलन उस वक्त कर पाना सभी के लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाता है। सर, आप डायरेक्टर भी हैं और आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को, हाँ जी, तो ये पढ़ाते वक्त जो है आपका जो बच्चों के साथ में अटैचमेंट होता है, तो आप कैसे अटैच होते हैं बच्चों से? बहुत प्यारा सवाल पूछे सर आपने, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। और मैं जो अटैच करता हूँ स्टूडेंट्स को अपने साथ, तो मेरा रिलेशन एकदम फ्रेंडली रहता है, मेरे को डांटना नहीं जमता, आप मेरे नेचर से भी देख सकते हैं, मेरे को कोई भी पहचान लेता झट से, मुझे डांटना नहीं आता है, तो मैं बहुत ही फ्रेंडली वे में रहता हूँ और फ्रेंडली बच्चों को सिखाता हूँ। और बेसिकली मेरा जो ध्यान रहता है कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना बच्चों को, मैं अभी इसी BCN के माध्यम से ये बात सभी को बताना चाहता हूँ कि हाउ टू मेक कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना चाहिए किसी भी चीज़ में, पढ़ाई हो या कोई काम हो, एनीथिंग। तो इसका जो सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज हिडन इन अ सिंगल वर्ड, दैट इज आंसर। आंसर ये जो शब्द है इसमें पूरा रहस्य छुपा है कॉन्सेंट्रेशन का। आंसर का जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चन। जब हम अपने पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि किताब खोल दी और हम 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, एक लाइन भी नहीं पढ़ते, बस दिमाग में कुछ तो भी दूसरे थॉट्स प्रोसेस चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो ये समस्या से छुटकारा हम तुरंत पा सकते हैं अगर हमने अपने आप से एक सवाल पूछ लिया, व्हाट आई एम डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। अगर ये सवाल जैसे हम अपने आप से पूछते हैं तो तुरंत हमारा ब्रेन ये आंसर देता है, अरे भाई मैं तो पढ़ने बैठा, मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ अभी, फिजिक्स का मुझे ये क्वेश्चन करना है, केमिस्ट्री का ये टास्क है मेरा, मैथमेटिक्स का ये टास्क है। और प्रथम खेड़ीकर से मैंने बहुत ही एक सुंदर चीज सीखी, अभी उसके घर गया तो उसने हर जगह अपने गोल्स को लिख के रखा था क्लियरली कि आई वॉन्ट टू स्कोर 640 मार्क्स। वेरी गुड, मतलब उसका लक्ष्य था, निर्धारित था। तो आपको अपना गोल बहुत ही क्लियर वे में लिख के रखना है और वो आपको बार बार दिखते रहना चाहिए कि आपको ये करना है, ये यहां तक पहुंचना है, गोल मस्ट बी फिक्स्ड। तो ये एक बहुत ही सुंदर चीज है। आंसर का मैंने ए बताया, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, उसी तरह से आता है आंसर के स्पेलिंग में, ए के बाद आता है एन, एन एन ये बहुत ही बढ़िया है, एन स्टैंड फॉर नो टू वरी, चिंता नहीं करना। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ चिंता करते रहते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, कल एग्जाम है, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चिंता जो है ना, चिंता और चिता,
इसमें सिर्फ एक बिंदु का फर्क है ना। तो बस वही बात है कि आप अगर चिता और चिंता के बारे में पूछेंगे तो चिंता क्या करती है, जीते इंसान को मारती रहती है, और जो चिंता होता है ना, चिता होती है, वो मरे हुए इंसान को हम अग्नि देके वो तो एंड ही होता है, यानी एंड होता है। तो हमें वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, नो टू वरी, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल मोड में रखना है। एन स्टैंड्स फॉर नो टू वरी, देन सेकेंड जो नेक्स्ट लेटर जो है एस, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ माइंड। हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए पढ़ते समय, वो ना ही दुखी होना चाहिए और ना ही बहुत एक्साइटेड मोड में होना चाहिए। अगर हम दुखी है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, एक्साइटेड मोड में तब भी हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड मस्ट बी नॉर्मल, न्यूट्रल, न्यूट्रल, हाँ नॉर्मल होना चाहिए। ना हमें किसी बात की खुशी है, ना हमें किसी बात का बहुत दुख है, इट शुड बी नॉर्मल। दिस इज एस, एस स्टैंड फॉर स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल। एंड देन द नेक्स्ट वर्ड कम डब्ल्यू, ए एन एस डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाटर एंड अदर फूड इनटेक। हम जो अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है, हम जो पी रहे ड्रिंक्स ले रहे, पानी पी रहे, जूस पी रहे या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, तो उससे हमारा बॉडी, हमारा आहार, हाँ, क्या है? आहार जो है, जो कि डॉक्टर मैडम ने भी बताया अभी, उन्होंने भी बताया ही था आपको उस समय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा वाटर एंड अदर फूड इनटेक क्या खा रहे हैं, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। हमने ज्यादातर ऐसा फूड कंज्यूम करना चाहिए जिससे हमारा बॉडी लाइट वेटेड रहे, पूरा फुल न्यूट्रिशन भी मिले, और तामसिक भोजन, हाँ तामसिक भोजन जो हम कहते हैं वो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप तामसिक भोजन खा रहे हो तो आपकी विचारधारा, आपकी विचारधारा भी वैसी बनेगी और आपको पढ़ने में तकलीफ आएगी, आपको आलस बहुत आएगा जी तामसिक फूड खाने से जी। तो जो हम कहते हैं कि सद्गुण रजोगुण वाला फूड हमने कंज्यूम करना चाहिए, वेजिटेरियन फूड इज बेस्ट फॉर दैट, वेजिटेबल सात्विक भोजन, हाँ सात्विक भोजन जो हम कहते हैं वेजिटेरियन फूड, दैट इज वेरी वेरी मस्ट। देन द नेक्स्ट वर्ड स्टैंड्स फॉर डब्ल्यू के बाद आता है ई, थैंक यू सर, ई, ई स्टैंड्स फॉर आई एंड ईयर मेमोरी। जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमने पूरी तरह से देखना चाहिए जो चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से सुनना चाहिए, टीचर के वर्ड सुनना चाहिए, खुद भी उसी को गुनगुनाते रहना चाहिए। तो हमारा ये जो ई है, आई मेमोरी एंड ईयर मेमोरी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी के पार्ट है, इसके बिगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये दोनों मेमोरीज का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हम कुछ भी ग्राफ्स नहीं कर सकेंगे, कुछ सीख नहीं सकेंगे, हमारे ब्रेन में कुछ भी स्टोर नहीं होगा। तो इसका 100% यूटिलाइजेशन करना है आई एंड ईयर मेमोरी का। एंड द लास्ट वर्ड इज आर, आर स्टैंड्स फॉर रिविजन। हमें एक साइंटिफिक वे में हर चीज को रिवाइज करना है। ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट हमारे कि हम जो भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो वो विद इन वन डे उसको हमने एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, यानी विद इन 24 आवर्स। सेकेंड टाइम उसकी रिविजन वन वीक में होनी चाहिए, एक सेकेंड रिविजन होनी चाहिए, और थर्ड रिविजन आप विद इन वन मंथ कर लो। तो तीन बार इस साइंटिफिक वे में हर टॉपिक को अगर हम रिवाइज करेंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 100% बन जाता है। तो ये पूरा सीक्रेट है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए हम जिंदगी में कई चीज़ों के आंसर्स ढूंढते हैं, लेकिन आंसर का आंसर जितने बेहतर तरीके से आपने बताया है तो ये मैं चाहता हूँ कि ये तो बहुत सबके लिए बहुत एक सुंदर सा उत्तर भी हो गया और एक समझ के भी बात हो गई। एजुकेशन देना जहाँ आप इतने बेहतर तरीके से करते, एक और अहम सवाल आता है जो पेरेंट्स होते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस। कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी दौर मिले होंगे कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी बेहतर नहीं है, इनके लिए बंडेवा ट्यूशन क्लासेस में कोई प्रोविजन है? हाँ जी, मेरे पिताजी का सिद्धांत ही उसी पर है जी, और वही सिद्धांत पे हम चल रहे हैं कि हम लोग गरीब से गरीब स्टूडेंट को कैसे एजुकेट कर सके। तो इसीलिए हम लोग बाकी ब्रांड जैसे बड़ी बड़ी फीस स्ट्रक्चर नहीं कोट करते जी, हमारा एकदम रिजनेबल फीस रहता है, लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एंड बेस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा फीस एकदम रिजनेबल रहता है। एक रिक्शा चालक का भी बेटा होगा तो वो भी हमारी फीस अफोर्ड कर सकता है, मतलब ऐसा कोई इतना कर रहे, मतलब सभी वर्ग के लोग आपके पास में। यस 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 यस, उसमें हमने एकदम जी जी। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, तो कहीं ऐसे पेरेंट्स आपके पास में आते हैं कि मेरा लड़का मैथ्स में कच्चा है तो इसको कैसे आपको ये करना चाहिए, या बच्चों के मेंटेलिटी के साथ में डील करते वक्त आपको कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है?
वो परेशानी जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि हम बच्चे को किस तरह से टैकल करते हैं, बच्चे के साथ किस तरह से अटैच होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है, पेरेंट्स और उनके जो बच्चे हैं, तो बहुत बार होता है कि माँ बाप बच्चों के साथ उतने लेवल तक जुड़ नहीं पाते, अटैच नहीं हो पाते। वो कहते हैं घर की बात है, तो घर में थोड़ा सा मम्मी ने पापा ने भैया ने समझा दिया तो समझ में नहीं आता बच्चों को, बट वही अगर घर के बाहर के किसी इंसान ने समझा दिया तो वो समझ में जल्दी आता है। तो वही रोल हम लोगों को प्ले करना पड़ता है जब कोई पेरेंट्स ऐसे बच्चों को लेके आता है कि इसका ये प्रॉब्लम है या इसको ये समझ में नहीं आता। ये काफ़ी सारे बच्चों का रहता है, काफ़ी सारे पेरेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, उनका एक ही बोलना होता है कि इसको मैथ्स में ही डिफिकल्टी है, इसको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, या इसका पहले से मैथ्स वीक है। तो हम समझ जाते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो जैसा बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता है सब्जेक्ट में उसके वजह से वो होता है। बट उसके बाद में जैसा बच्चा हमारे अंडर आ जाता है तो उसके साथ प्रॉपर तरीके से उसकी पहले काउंसलिंग करके हम उसको धीरे धीरे ट्रेन करना शुरू करते हैं, और उसका जो फियर होता है सब्जेक्ट के बारे में, जो वो फियर ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को सब्जेक्ट से फैमिलियर होने में रोकती है, तो वो फियर हम दूर करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे बच्चा फैमिलियर हो जाता है। मैं आपके तरफ देख के सर आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहूंगा। मुझे वो मेरा जमाना याद है कि जब स्कूल के जमाने में मैं मैथ्स ये सब्जेक्ट पढ़ता था, हाँ। तो सर को देख के डर लगता था, एक तो मैथ्स कठिन, हाँ। और ऊपर से उनके चेहरे में छड़ी नजर आती थी, तो बड़ा डर लगता था। मुझे तो लगता है कि आपको देख के लोगों को मैथ्स का डर आधा वैसे ही खत्म हो जाता होगा। नहीं, हमारे यहाँ पे बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस में मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा जी, सारे फैमिलियर फ्रेंडली बिहेवियर हम लोग रखते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और काफ़ी सारे बच्चे खुल के सामने आते हैं, हमको ये दिक्कत जा रही है, हमको ये प्रॉब्लम जा रहा है, वो प्रॉब्लम जा रहा है। और सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ही नहीं, हमारा 4 आवर्स का क्लासरूम टीचिंग रहता है 4 सब्जेक्ट्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट इवनिंग आफ्टरनून स्टडीज़ भी हम लोग लेते हैं, जिसमें हमने पूरा प्रेमाइसिस जो है क्लासरूम का जो एम्बियंस है पूरा बच्चों के लिए ओपन करके रखा है, लाइब्रेरी मेंटेन की हुई है, तो वहाँ बच्चे आके बैठते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। जिनके यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनके यहाँ पे फाइनेंशियली साउंड नहीं होता है, तो उनके यहाँ पे जैसे जॉइंट फैमिली है या इतना बड़ा घर नहीं होता है तो घर पे नहीं पढ़ पाते वो, तो ऐसे बच्चे हमारे यहाँ पे आके आफ्टरनून स्टडीज में बैठते हैं, और हम लोग भी खुद वहाँ पे रहते हैं, हमारा 12 आवर्स का पूरा वर्किंग होता है, तो हम लोग भी वहाँ रहते हैं और उनके डाउट्स वगैरह हम लोग उनके सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी उनको हेल्प मिलती है। वही जो हम समन्वय की बात कर रहे हैं, वो समन्वय टू साइड से हो तो एक अटैचमेंट और एक अंडरस्टैंडिंग जो है और एक बेहतर रिजल्ट्स की हम बिल्कुल अपेक्षा कर सकते हैं। सर चलते चलते फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आप एज अ मैथ्स टीचर या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो वो उनके मन से जो डर है वो एजुकेशन का डर निकाले, बेहतर भविष्य के लिए आप उनके क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि बच्चों को भी ये बताना चाहूँगा कि हम नहीं जानते कि हम में कितना पोटेंशियल है जी, हर एक बच्चे में, भले वो कैसा भी हो। बच्चा जो है, भगवान जब किसी इंसान को भेजता है, किसी बच्चे को भेजता है, तो उसमें ट्रेमेंडस पोटेंशियल होता है। बस वो पोटेंशियल पेरेंट्स ने और टीचर्स ने अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और उस डायरेक्शन में उस बच्चे को गाइड करने की ज़रूरत है। हम लोग नहीं, मतलब ये हमारे दिमाग के बिल्कुल परे है, इतना सारा पोटेंशियल बच्चों के अंदर भरा हुआ होता है। बस थोड़ा सा अब जनरेशन के हिसाब से मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले की जनरेशन अलग थी, हम जिस जनरेशन में पले, हमारी जनरेशन अलग थी, आप लोगों की जनरेशन अलग थी, उस समय थोड़ा सा बिहेवियर या अटैचमेंट ये सारी चीज़ें नहीं थी उस समय, बट अभी ये चीज़ें काफ़ी मायना करती है। जैसे अक्षय सर ने बताया कि पेरेंट्स ने थोड़ा सा बच्चों के साथ फ्रेंडली वे में बिहेव करना चाहिए, उनके साथ अटैच होना चाहिए, तो बच्चा खुल के सामने आएगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा। दूसरी बात, कोरोना पेंडेमिक में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत थोड़ा सा पेशेंस तो हमको रखना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग ये रिक्वेस्ट भी करेंगे गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा बहुत जल्दी हो सके, जितने जल्दी हो सके लिमिटेशंस के साथ क्लासरूम प्रोग्राम शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट क्लासरूम टीचिंग ही है जिसमें बच्चों का भविष्य हम बना सकते हैं। विकास सर, एक हम एजुकेशन की जहाँ बात करते हैं और तो उसी के साथ एक सर्वांगीण विकास भी, एक व्यक्तिमत्व विकास की भी बात होती है, तो एक स्टूडेंट के व्यक्तिमत्व विकास के लिए एजुकेशन के अलावा उसने ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जो जो एक एक उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी फिजिक या उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी एक चालना मिले? इसके लिए सर एक कैप्सूल है, समझ लीजिए आप 3 कैप्सूल्स मैं बता रहा हूँ जी, जो आपको साइकोलॉजी मेंटली सभी तरह से मजबूत बनाता है। वो 3 कैप्सूल में पहली कैप्सूल है कि 10 मिनट्स आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपका हार्ट बीट फास्ट हो। आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो अपने घर में जो स्टेयर्स हैं उस पर चढ़ना उतरना कीजिए, सो दैट आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाए। 10 मिनट्स डू दैट एक्सरसाइज। दूसरी कैप्सूल में बता रहा हूँ
कि 10 मिनट्स आपने ऐसी पॉजिटिव थिंग्स वाली बुक्स रीड करनी चाहिए या वीडियोस देखनी चाहिए यूट्यूब पे, जिससे आपके गोल के तरफ आपको जाने के लिए आसानी जाए और आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। ठीक है, ये 10 मिनट्स वाला आपका दूसरा कैप्सूल हो गया। और तीसरा एक 10 मिनट्स का कैप्सूल ये है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिटेशन कीजिए। आप 10 मिनट शांति से बैठिए, मेडिटेट करिए, ब्रीदिंग पर सिंपल कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कुछ ज़्यादा टेक्निक यूज नहीं करनी है, बहुत सारे मेडिटेशन के टाइप्स हैं, लेकिन आप सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल कंफर्टेबल पोजीशन में कैसे भी बैठिए, नीचे मांडी डाल के बैठिए या आप चेयर पे बैठिए और जस्ट अपने पोजीशन को इस तरह से रख के आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक अवर सेल्फ वेरी वेरी स्ट्रांग इन ऑल रिस्पेक्ट। ये सभी के लिए, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। थैंक यू। मुझे ये लगता है कि अभी जैसे विकास सर ने कहा, तो ये जो 3 कैप्सूल है ये सबसे बेहतर ब्रेन टॉनिक होगा और इसके अलावा दूसरे कोई ब्रेन टॉनिक लेने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ इतना अच्छा एजुकेशन की व्यवस्था बंडेवार गजानन ट्यूशन क्लासेस में, वहीं अगर इस तरह से सर्वांगीण विकास के लिए भी जहाँ पर गाइडेंस देता हो तो बात ही कुछ और हो जाती। थैंक यू। और विकास सर कहते, घर का मुखिया जितना हंसते चेहरे और वो उनके चेहरे पर एक बेहद ऐसी मुस्कान अगर लिए हो, तो उनके साथ में काम करने वाले घर परिवार के परिवार से के पूरे सदस्य और उनसे जुड़ने वाले सभी लोग जो हमेशा खुश रहते हैं। मैंने शुरुआत से लेकर आखिर तक आपके चेहरे पर एक मुस्कान देखी, बहुत मोहक मुस्कान है। तो ऐसी मुस्कान के साथ में आप अपने बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स एज वेल एज उनके पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि डरिए नहीं किसी भी चीज़ से। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हम सब साथ मिलके फेस करेंगे उसको, और एक सही गोल्स जो है हम लोगों के वो पूरे अचीव करने के लिए हम हमारी एनर्जी लगाएंगे। यही मेरा संदेश है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा मैं बात हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जब हमें पानी भरना है और हम अपनी गागर को अगर नल के नीचे उल्टी रखें तो उसमें कितना भी प्रयास किया जाए वो घाघर भरी नहीं जा सकती। वहीं हम उस घाघर को अगर सीधा करें तो उसमें उतना पानी भर सकते हैं। हमें जब भी हम शिक्षक वृंद के साथ मिलने जाते हैं तो उस घाघर को खाली रखकर ही भरने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी आज कोशिश यही थी कि जो मान्यवर यहाँ बैठे हैं उनसे कुछ सीखूं। खास बात मैं यहाँ पर और नोट करना चाहूँ, क्योंकि आंसर का आंसर जो इतने सालों से शायद मैं भी नहीं ढूंढ पाया था, बहुत बेहतर तरीके से सर आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दर्शकों से, पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से हम यही कामना करते हैं, कोरोना 19 की ये पैंडेमिक सिचुएशन आज नहीं कल खत्म होगी। इससे हमें जूझना भी है लेकिन एक बेहतर भविष्य भी हमें बनाना है। हम ध्यान रखें, एजुकेशन वृंद आपके साथ में है, शिक्षक वृंद आपके सामने है और इस आपके भविष्य को साकारने की जिम्मेदारी भी इन पर है। ऐसी चर्चा के साथ में फिर हम आपसे मुलाकात करें। मैं फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से हमारे पास।